आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्टिंग। तो कल हम ऑलरेडी सर्चिंग पढ़ चुके हैं, तो सर्चिंग हम कहाँ करते हैं, एरे के अंदर। ऐसे ही हम एरे को शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो एरे को शॉर्ट करने के लिए हम सेल्फ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शॉर्टिंग क्या होती है। तो शॉर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स। हम एक एरे होता है हमारे पास, जैसे ये एक एरे है। अब आप इस एरे को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5, 4, 10, 2, 3। मीन्स यहाँ पे 5 है जो ग्रेटर है 4 से, 4 लेसर है 10 से, देन फिर 2 फिर से लेसर है 10 से, फिर 30 ग्रेटर है 2 से। तो यहाँ पे कोई आइटम्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है कि हम कह सकें कि भाई इनका कोई ऑर्डर है। मीन्स बेसिकली कोई बेसिकली एरे में एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता। तो शॉर्टिंग कहते हैं कि शॉर्टिंग ऐसी प्रोसेस होती है, एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं कि वो हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखे या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे। मीन्स या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग होंगे। इंक्रीजिंग में कैसे होता है कि जब जो पहला एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होता है, जो दूसरा है वो थर्ड एलिमेंट से छोटा होता है, जो तीसरा है वो फोर्थ एलिमेंट से छोटा होता है, एंड 5 होता है वो फोर्थ होता है वो फिफ्थ से छोटा होता है। ऐसे ही एन तक हमारा चलता है। इसे कहते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट यहाँ पे जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है, ये ऑर्डर है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ए टू, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है दूसरे से, दूसरा बड़ा है तीसरे से, तीसरा बड़ा है चौथे से, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। तो इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ एग्जाम्पल में भी हमें वही किया। तो प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या हो गई, शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं सो दैट दे कैन बी प्लेस्ड। तो वो ऐसे उनकी जो प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है, वो इस तरीके से हो कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स ऑर्डर शुड बी मेंटेन, और ऑर्डर भी एक ही होना चाहिए, तो असेंडिंग ही होंगे या डिसेंडिंग ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें एक एरे दिया है और कहा है कि एरे इज कॉल्ड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर इफ एलिमेंट्स आर अरेंज लाइक। A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3। अगर ये ग्रेटर होगा, A1 ग्रेटर होगा A2 से, तो यहाँ पे जो ये साइन है ये लेसर का होना चाहिए था, जो आई थिंक बाय मिस्टेकनली ग्रेटर का है। तो असेंडिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 1 है देन 2 है ना नेक्स्ट 3 ना 4। तो उसमें आएगा जो 1 होगा वो लेसर होगा 2 से, तो इस केस में यहाँ लेसर आएगा, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। इन असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, जहाँ प्लस होती हैं वैल्यूज। डिसेंडिंग मीन डिक्रीजिंग, जहाँ पे डिक्रीमेंट होगा वैल्यूज में, यानी कि असेंडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, उस केस में 1 इज लेसर देन 2, A1 इज लेसर देन A2। सेम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोला है, एक एग्जाम्पल है, ये अनशॉर्टेड एरे है, और इसे हम किस में करना है, असेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग में क्या होगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी कि पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। पहले A1 इज लेसर देन A2 होगा, ने सबसे लेसर कौन है, 2, देन 4, देन 5, देन 9, देन 10, देन 14, देन 18, 18 के बाद 30, देन 34, देन 45। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ऐसे ही हमारे पास शॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और बहुत सारी हम कहें हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं जिनसे हम शॉर्ट कर सकते हैं एरे को। तो आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। ऐसी ही टेक्निक, जो जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं उनमें होता है बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट, शेल शॉर्ट, और ऐसे और बहुत से शॉर्ट भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपल शॉर्ट की बात करते हैं, जो जिसका नाम है बबल शॉर्ट। तो बबल शॉर्ट क्या कहता है, बबल शॉर्ट ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम होती है शॉर्टिंग की। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सिंपलेस्ट है ये, सिंपल।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज शॉट। तो इसको और क्या भी कहते हैं, एक्सचेंज शॉट भी कहते हैं। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है कि सिंपल होता है, और इसका नाम एक्सचेंज शॉट भी से बोलते हैं बबल शॉट को। थर्ड पॉइंट है, इन दिस शॉट वी कंपेयर ईच एलिमेंट विद दिस एडजेसेंट टू राइट साइड। तो इस शॉट में हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि हमारा जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे वन इंडेक्स वाले से मैच करते हैं। एडजेसेंट कौन हो गया उसके नेक्स्ट। और क्योंकि एरे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस नेचर का होता है, और उसका अगर हमारी आई की वैल्यू मान लो जीरो है, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होगा, उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, आई प्लस वन यानी कि जीरो प्लस वन, तो वन होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेफिनेशन में ये पुट कर सकते हैं कि हम इसमें इसके नेबर्स को चेक करते हैं, और नेबर भी कौन सा, राइट साइड वाला, लेफ्ट बैक वाला नहीं, राइट साइड वाला, नेक्स्ट वाला यानी कि इंक्रीज वाला। तो बबल शॉट कहता है वी कंपेयर ईच एलिमेंट्स, हमें हर एलिमेंट को कंपेयर करते हैं उसके एडजेसेंट से, राइट एडजेसेंट से, नॉट नॉट लेफ्ट एडजेसेंट। तो हम फाइव को कंपेयर करेंगे थ्री के साथ, थ्री को करेंगे जीरो के साथ, जीरो को करेंगे सेवन के साथ, सेवन को टू के साथ, टू को एट के साथ। क्लियर हुआ? एडजेसेंट मतलब इसके बराबर वाला। इफ की इज फाउंड एज आउट ऑफ ऑर्डर, अगर ये कहता है कि जो की है हमारी, या फिर की कहते हैं, या फिर हम बोलें जो ये पेयर है हमारा, इज फाउंड एज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि फाइव अगर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, यस ये आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो उन दोनों को स्वैप कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो अब इसमें बबल शॉट में होता क्या है, हम इसके अंदर पासेस यूज करते हैं और स्वैपिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर लूप चलते हैं, जो काउंट करता है पासेस को, और पासेस के लिए होता है, और जो दूसरा फॉर लूप होता है वो हमारा होता है कितने नंबर ऑफ स्वैपिंग, यानी कि कितनी बार चेंज हुआ है उसको चेक करने के लिए होता है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जीरो टू फिफ्थ है इंडेक्स, तो हमने हम काउंट कर सकते हैं, लास्ट इंडेक्स प्लस वन हमारा एन का वैल्यू होता है, तो फाइव प्लस वन सिक्स एलिमेंट्स हो गए। हमने अपने पासेस स्टार्ट किए, एक लूप लगाया, जीरो से स्टार्ट किया, एन जीरो से जब हम चलाते हैं तो वो सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू जीरो होगी। अब ये चेक करता है क्या जो जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू है वो आई प्लस वन से ग्रेटर है। कहता है कि ये अगर जीरोथ यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो उन्हें स्वैप कर दो। तो नेक्स्ट में क्या आया, थ्री फाइव जीरो सेवन टू एट, फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू हो जाती है वन। फिर वो कहता है अगर वन इंडेक्स की वैल्यू यानी कि फाइव अगर ग्रेटर देन है आई प्लस वन के वैल्यू से, यानी कि जीरो से टू सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू से, यस ग्रेटर है, तो कहता है स्वैप कर दो। तो हमने फाइव और जीरो को फिर से स्वैप कर दिया, थ्री जीरो फाइव सेवन टू एट। नाउ आई की वैल्यू कितनी हो गई, टू। अब फिर चेक करता है अगर सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू जो फाइव है अगर ग्रेटर देन है थर्ड इंडेक्स वैल्यू से, सेवन से, नहीं है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री। फिर कहता है अगर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू इससे ग्रेटर है तो स्वैप कर दो, तो ग्रेटर है, सेवन इज ग्रेटर देन टू, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होगा, थ्री जीरो फाइव टू सेवन एट, ये हो गया थ्री जीरो फाइव टू सेवन एट, ठीक है। फिर आई की वैल्यू फोर हो जाएगी, फिर चेक करेगा इंडेक्स ऑफ फोर इज ग्रेटर देन इंडेक्स ऑफ एट, नो, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। इस फर्स्ट पास में हमारा कहाँ से लूप चला और कहाँ तक चला, ये लूप चला क्योंकि एट का तो एडजेसेंट कोई है ही नहीं, तो हम एट के लिए यानी कि फिफ्थ इंडेक्स के लिए तो चेक ही नहीं कर रहे। इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा एन था कितना, छः, तो हमारी ये लूप कहाँ तक चला, चार तक। इसका मतलब एन माइनस
वन से लेस देन तक चला, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो और कंडीशन होगी आई लेस देन एन माइनस वन, यानी कि आई लेस देन फाइव, फाइव से लेसर क्या है फोर, तो फोर तक चला यहाँ पे लो। इन फर्स्ट पास लूप रन फ्रॉम जीरो टू फोर आई के लिए, और सेकंड पास में क्या चलेगा एन माइनस आई माइनस वन, जो हम एल्गोरिथम में अभी आगे देखेंगे कैसे कि ये स्वैपिंग के लिए हुआ है। तो यहाँ पे सिक्स माइनस आई जीरो माइनस वन, तो यहाँ पे कितने बार कंपैरिजन्स होंगे, पांच बार। ठीक है, कंपैरिजन कितने होंगे, पांच। अब फिर सेकंड पास स्टार्ट करते हैं, फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो थ्री अगर ग्रेटर है यस है स्वैप कर देंगे, देन फिर वन को चेक करेंगे, थ्री अगर ग्रेटर है फाइव से नहीं है तो सेम रहेगा, फिर चेक करेंगे टू को, फिर टू ग्रेटर है फाइव ग्रेटर है टू से है देन स्वैप कर देंगे। अब यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे इफ फाइव इज ग्रेटर देन सेवन नहीं है, फिर चेक करेंगे सेवन इज ग्रेटर देन एट तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, फिर यह ख़त्म हो जाएगा हमारा। फोर को चेक करेंगे, फोर सेवन ग्रेटर है एट से नहीं है तो फिर से स्वैप, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी टिल सेकेंड पास। ठीक है, तो सेकेंड पास में ये आया, अब हम नेक्स्ट पास लेंगे। ऐसे ही ये जब तक हमारा शॉर्ट नहीं हो जाता है हम अपने पासेस यूज़ करेंगे। तो अभी अभी इसका एल्गोरिथम एक बार देख लेते हैं, इसके स्टेप्स। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक एरे होना चाहिए और उस एरे का बस साइज होना चाहिए। एक हम बुलियन वेरिएबल ले लेंगे स्टेट को मेंटेन करने के लिए कि अच्छा ये शॉर्टेड स्टेट में है या अभी अनशॉर्टेड है। ओके, तो पहला लूप हमारा था कि कितने नंबर ऑफ पासेस होंगे, एक पास में शॉर्ट होगा, दो पास में होगा, तीन पास में होगा, तो ये हमने बात करी थी ये जीरो से फोर तक चलेगा, यानी कि एन माइनस वन से लेसर देन स्टेट तक चलेगा। फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे जीरो से लेके एन माइनस आई माइनस वन, ये हमारा क्या करेगा कितने कंपेरिजन्स हुए हैं, यानी कि कितनी बार स्वैपिंग हुई है, कितनी बार चेंज हुआ है, ये उसके लिए। इफ जे इज ग्रेटर देन, और हम आई भी कह सकते हैं लेकिन हम अभी सिंपल सिटी के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जे में भी आई जीरो है और आई में भी जीरो, तो इफ जे इज ग्रेटर देन जे प्लस वन, यानी कि पहला एलिमेंट जीरोथ वाला अगर वन से ग्रेटर है, जीरो वाला ग्रेटर है वन से, तो हम उसे स्वैपिंग कर देंगे और फ्लैग में सेट कर देंगे ट्रू कि यस शॉर्ट हुआ है। और मान लीजिए कि हमारा एरे शॉर्ट ही नहीं हुआ, और तो फ्लैग में हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स डाला, तो हम चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि शॉर्ट नहीं हुई है तो ये ब्रेक कर देगा। अदरवाइज यहाँ पे हम प्रिंट भी करा सकते हैं एल्स में कि फ्लैग इक्वल्स टू एल्स, इफ के एल्स में द एरे इज शॉर्टेड, और प्रिंट करा देंगे एरे को। अब एक चीज़ और कि सी प्लस प्लस के अंदर हमारा एक स्वैपिंग का स्वैप का मेथड होता है, फंक्शन होता है, जिसमें हम अपने दोनों एरेज को पास कर देते हैं, जे एंड पैरामीटर्स को पास कर देते हैं स्वैपिंग के दो वेरिएबल्स को, और वो उनको स्वैप इंटरचेंज कर देता है। बट अगर हमें सी प्लस प्लस का मेथड नहीं यूज़ करना है तो हम इस केस में एक और चीज़ कर सकते हैं, इस लाइन की जगह इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है पहले आई की वैल्यू को हटाना है, आई की वैल्यू की जगह हमें आई प्लस वन को डालना है, तो हम क्या करेंगे ए ऑफ आई यानी कि जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में डालेंगे। अब एरे ऑफ आई यानी कि जीरोथ इंडेक्स खाली हो गया, फिर हम जीरोथ इंडेक्स यानी कि ए ऑफ आई में आई प्लस वन की वैल्यू को डाल देंगे। अब वन वाली वैल्यू जीरो में आ गई और वन वाला पोजीशन खाली हो गया, अब हम क्या करेंगे जो आई प्लस वन जो खाली था उसमें जो टेम्प में हमने जीरो की भी डाली थी वो डाल देंगे, इंटरचेंज हो गया इस लाइन से। अब इसको रिमूव करने के लिए ताकि हमें ये पता चले स्वैपिंग होती कैसे है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं एरे को, जब हम प्रिंट करते हैं तो पूरे उसकी एरे की लेंथ रिवर्स करते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो ये मेथड है प्रिंट कराने के लिए।
ये एक मेथड लिया है हमने, जिसमें हमने एरे एरे को पास किया है। यहाँ यहाँ एक एरे लिया है 78312, इसमें लूप चला है 0 से साइज -1। साइज कितना है इसका? 1 2 3 4 5 5। एन है 5, यानी कि एरे की लेंथ है 5। तो हमने कहाँ तक चलाया है? लेसर देन 5, यानी कि 4 तक। तो एरे डॉट लेंथ यानी कि 5 -1 यानी कि 4। और फिर एक जे लिया है, ये क्या फर्स्ट लूप क्या करेगा हमारे का? पासेस को चेक करेगा कितने नंबर ऑफ पासेस हुए हैं। सेकेंड लूप क्या करता है हमारा? कंपेरिजन्स के लिए होता है कि कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन हुए हैं, कंपेरिजन कितना हुआ है। तो जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू लेंथ डॉट आई -1। अब हम चेक करते हैं इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई +1। अगर 0 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो उन्हें स्वैप कर दो। इंटीजर टेम्प, टेम्प में एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में आई की डाली, आई अब खाली हो गया। अब आई में आई +1 की डाली, अब आई +1 वाला इंडेक्स खाली हो गया, यानी कि 1 वाला खाली होगा। उसमें 0 पे जो टेम्प की वैल्यू 0 की हमने टेम्प में डाली थी, वो वापस से उन इंडेक्स पे डाल दी। तो ये हो गया हमारा बबल शॉर्ट के बारे में। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम अगला शॉर्टिंग का मेथड देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।